टीका चलना है। वैयर्त्यमस्तुवा बाह्यम न वारयितुम ईष्म है प्रयोजनम अपेक्षन्ते न मानानीति ही स्थिति। तर्य विज्ञानवाद को भेदा, यदि आप भी बाह्य जगत को व्यर्थ मानते हो और उसे खंडन या वारण करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहते हैं, फिर तो विज्ञानवाद से और आप में क्या अंतर रह जाता है। इतिताह बाह्यम न वारयितुम ईष्म है, विज्ञानवादिनो बाह्यार्थम एव अपलपन्ति वयम् न तथा। विज्ञानवादी लोग बाह्यार्थ का असत्य कथन करके अत्यंत अपलाप करना चाहते हैं और वैसे हम करना नहीं चाहते। अयमेव भेद, यही हम और उनमें अंतर। प्रयोजन शून्यत्वात् अभ्युपगमो अपि अयुक्तैव, तो पूर्व पक्षी कहेगा फिर आप में मत कोई प्रयोजन तो रहा नहीं। कौन सा विज्ञान, चारों को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि चारों के अंदर कल बताया था ना, चारों के मत बाह्य वस्तु रहते भी वह प्रत्यक्ष के द्वारा बोध है, इंद्रिय ग्राही है, अनुमेय है, सब मान्य, पर वो असत्य ही तो ग्रहण कर रहा है ना। असत को ही इंद्रियों से ग्रहण किया, असत को ही अनुमान से जाना, और असत होने के बाद ग्रहण ही नहीं होता है माना, और असत होने के बाद है ही नहीं माना, चार को। इसीलिए है तो असत अत्यंत अपलप कर ही दिया, विज्ञान के लोग कुछ है नहीं। तो हम कहते नहीं, विज्ञान से भिन्न और रहता है, लेकिन उसे खंडन मंडन या अपलाप करने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहते। कहते फिर उसका रहने न रहने से फर्क क्या पड़ेगा आपको, प्रयोजन न होने से आप उसको है करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वीकार करने का फायदा क्या है। कहते सर प्रयोजन शून्यत्वात् अभ्युगमोपि अयुक्त, उसको स्वीकार करना भी व्यर्थ है ईश्वर सृष्टि को, इत्याशंका नहीं। देखो वस्तु का होना न होना वह प्रयोजनाधीन नहीं है कि नहीं, किसी प्रयोजन को लेकर के उस वस्तु को मैं मानू ना मानू, इन वस्तु का होने न होना अलग चीज है, वह वस्तु उस प्रयोजन को सिद्ध करते या नहीं करते एक अलग चीज है। विचार जो चला हुआ है बंधन को ले, जीव सृष्टि बंधन का कारण, ये ध्यान में रखना पूरी बात जो चल रही है। अतः बंधन रूपी प्रयोजन दृष्टिया क्या इस सृष्टि सीधे कार्य का अनुभव है बंधन और इस सृष्टि के बीच में, नहीं। इस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं जीव सृष्टि बंधन का कारण होने से, जीव सृष्टि ही और बंधन के बीच कार्य का अनुभव होने से जीव सृष्टि को महत्व दे रहे हैं यहाँ पे, और इस सृष्टि को मान नहीं रहे हैं यहाँ, और उसमें नहीं है कह रहे तो भी चलेगा, बंधन दृष्टिया मात्र, बंधन रूपी प्रयोजन दृष्टिया हम करें जीव सृष्टि ही कारण बनता है, तादृश कार्य बंधनात्मक कार्य के प्रति। लेकिन ईश्वर सृष्टि है ही नहीं ये मैंने कहना चाहता, क्योंकि वो प्रमाण सिद्ध है। हम जिस प्रयोजन को विचल के लिए विचार करना हो वह प्रयोजन उससे सिद्ध हो या ना हो, नहीं वस्तु ही नहीं नहीं कह सकता हूं ना। मानो आप रसोई घर में गए खिचड़ी बनाने चले, उस प्रयोजन से गए और दाल और चावल निकाला खिचड़ी बना रहे हैं, या वे थोड़ी कदम सूची है नहीं रसोई में, आपका प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप उसको महत्व नहीं देंगे, और आपकी दृष्टि में उसका होना भी ना होने के समान है, क्यों आपको जरूरत नहीं उसकी, सूची की क्या करोगे वहां, आपको खिचड़ी बनाना है, तो उस प्रयोजन दृष्टिया आपके सूची का रहते हुए भी नहीं है प्रयोजन दृष्टि। लेकिन ये नहीं कह सकते आप सूची है ही नहीं, ये भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार यहां पर भी बंधन दृष्टिया ईश्वर सृष्टि का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बंधन का कारण जीव सृष्टि है। तो बंधन और प्रयोजन दृष्टिया इस सृष्टि का अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं, और इस सृष्टि का अस्तित्व नास्ति पर हम विचार करना भी नहीं चाहते, और अत्यंत अपलाप उसका नहीं करूंगा, इसलिए नास्ति भी नहीं कहूंगा और बंधन दृष्टिया अस्थि भी नहीं कहूंगा, प्रमाण दृष्टिया अस्थि कहूंगा। इसे कहते देखो मानाधीना वस्तु सिद्धि न प्रयोजनाधीना, प्रमाण के अधीन वस्तु के स्वरूप सिद्धि होता है, प्रयोजन के अधीन वस्तु के स्वरूप सिद्धि।
मानसित्व से प्रयोजन शून्यत्व मात्र न, प्रमाण से सिद्ध कोई वस्तु है और उसका प्रयोजन शून्य होने मात्र से उस वस्तु का असत्व से लौकिक अनभ्युपगमा, कोई लौकिक व्यक्ति भी, और विद्वान लोग तो कहना ही क्या है, जो लौकिक भी उसका अपलाप नहीं करता। प्रमाण सिद्ध वस्तु को प्रयोजन शून्य होने मात्र से ही उसका खंडन लौकिक आदि भी नहीं जब करता तो वादी कैसे कर सकता है, विद्वान कैसे कर देगा, क्या मित्र ने लगा दिया। अतः विद्वान भी प्रमाण सिद्ध वस्तु का अपलाप नहीं करेगा। अति ईश सृष्टि का हम अपलाप नहीं करते हैं, इन प्रयोजन दृष्टिया हम उसे कार्य कारण भाव स्वीकार भी नहीं करते। बंधन ईश सृष्टि के कारण से नहीं है, ये हम कह रहे हैं। इन बंधन जो है वो जीव सृष्टि के कारण से है। अतएव ले जीव सृष्टि का कारण कौन है, ये जीव सृष्टि में आकार समर्पक कौन है, उसके लिए ईश सृष्टि कारण बन रहा। तो बंधन में साक्षात कारण ना होता हुआ परंपरा कारण बन जा रहा है ईश सृष्टि। अतएव हम वेदांती विज्ञानवादी की कोटि में नहीं जा सकते, हम इस सृष्टि का अत्यंत अपलाप नहीं करते। जिस प्रयोजन के दृष्टिकोण से विचार करता हूं उस प्रयोजन के दृष्टिकोण से अपलाप कर रहा हूं, साक्षात्कार का अनुभव का निषेध होने से। इन प्रमाण से वसित वस्तु को परंपरा हम बंधन के प्रति कारण भी मान लेंगे। अतएव वस्तु का अत्यंत अपलाप हम नहीं कर रहे हैं, प्रयोजन दृष्टिया अपलाप मात्र ही है, वस्तु स्वरूप दृष्टिया अपलाप नहीं। कि वस्तु स्वरूप दृष्टिया प्रयोजनाधीन होकर के अपलाप हम नहीं कर सकते, वो तो मानाधीन सिद्ध वस्तु होने से, और मानाधीन होकर के किसी वस्तु का स्वरूप अपलाप हो गया जैसे खपुष्प आदि, उसको तो हम भी असत कह देंगे कि प्रमाण सिद्ध है नहीं, वो प्रयोजन से भी, प्रयोजन से अपेक्षा से भी वो अपलाप हो जाएगा, मान के दृष्टिया से भी वो अपलाप, उभय दृष्टि अपलाप हो गया खपुष्पादि असत वस्तुओं का। इन ईश सृष्टि का अपलाप प्रयोजन दृष्टिया हम करेंगे, मान दृष्टिया अपलाप नहीं करते हैं, यही विज्ञानवादी और हम में अंतर। मानस द्वैत से बंध हेतुत्व, मानस द्वैत ही यदि बंधन का कारण है तो तस् मनोनिरोधात्मक योगे नहीं, तब भी कह रहे पूर्व पक्ष, चलो मान लिया मानस जो जीव सृष्टि है वही बंधन का कारण है, फिर मन को रोक दो। ईश्वर सृष्टि को प्रातिभासिक मानते हो, चाहे जो भी हो प्रातिभासिक मानने पर उस प्रातिभासिक ईश्वर सृष्टि ही आपकी मानस सृष्टि के प्रति कारण बना। मानस सृष्टि का आकार समर्पक चाहे व्यावहारिक सत्ता से युक्त ईश्वर सृष्टि माने, चाहे प्रातिभासिक सत्ता युक्त ईश्वर सृष्टि मानिए, सृष्टि दृष्टिवाद में व्यावहारिक सत्ता विशिष्ट जो ईश्वर सृष्टि मानूंगा, दृष्टि सृष्टिवाद में प्रातिभासिक सत्ता विशिष्ट ईश्वर सृष्टि मानूंगा, लेकिन जैसा भी सृष्टि होगा वो आपकी जीव सृष्टि का आकार समर्पक है ही। यदि वही सृष्टि किसी भी प्रकार की सृष्टि ना हो तो किसी भी प्रकार का आकार का समर्पण ही नहीं होगा मन में, हम जीव सृष्टि नहीं होगी, मानस मनोमयी जगत ही नहीं रहेगा, तो बंधन क्या होगा। इसलिए ईश सृष्टि पारमार्थिक है या प्रातिभासिक है या व्यावहारिक है, इसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं रह गया, क्यों, वह केवल हमारे मानस सृष्टि का आकार समर्पक है। झूठी आकार भी तंग कर देती है ना, तो लोग प्रसिद्ध है झूठा सांप रस्सी का, वो भी तो डरवा दिया, खूब डरा देता है वो। हाँ, एक बार हमको आपको बताया हूं, ज्वालापुर में एक वैश्य पंचायत धर्मशाला, प्राचीन दो है वहाँ, प्राचीन और नवीन, प्राचीन धर्मशाला में हम लोग एक कार्यक्रम था, गए थे मीटिंग वीटिंग, सायंकाल हो गए तो मंदा अंधकार, 0 वाट का बल्ब जल रहा था कुआं के पास, कुआं पहले प्राचीन टाइप कुआं होता था ना जमीन के लेवल पे, और यूं एक लोहा का होता था उसमें रहट होती थी और उसमें से पानी खींचते थे, वैसे वाला था, ऊपर वाला रहट नहीं था जल, वो भी टूटा फूटा होता, लोहा का टुकड़ा ही था यूं करके था। अब मंद अंधकार के कारण से, 0 वाट के बल के कारण से, शाम का जो भी वहां जा रहा है वो डर डर के लौट रहा है, एक नहीं कई। अब परिस्थिति में शायद हम भी काफी देर से खा पी कर बैठे हुए थे, तो हमें भी लोग शंका लगी, हम भी वहां टॉयलेट की ओर गए, जो भी जा रहे थे लौट आ रहे, बात वही नहीं आगे जा ही नहीं रहे, तो हम भी गए, जब हम भी देखा शाम तक
शांत था, डर गए हम भी, डर गए, लेकिन हमने सोचा कुछ लाठी बूठी लिया जाए, इधर उधर देखा ढूंढो, इधर भी देखा तो दोबारा गौर से देखा तो हिलता ही नहीं। आदमी की सुगंध से भूस भूस करेगा ना, ये कुछ भी नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन नहीं इसकी। मैंने फिर अपने चप्पल को ठप ठप किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। ये तो सामने ही है, फिर तो नजदीक जाके देखता हो तो लोहा है, छोटा पुटा टेढ़ा मेढ़ा लोहा, पहले साफ समझ गया। मैंने कहा उसने भी नचा तो दिया इतरों को, एक दो नहीं कई गए, बहुसंगा बंद हो गया उनका, और कई तो बाहर भाग के सड़क पे नाली पे बैठ गए बेचारे, उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वहां अंदर घुसने की हिम्मत नहीं किसी को। प्रातिभासिक सांप भी परेशान तो किया, बंधन भय पैदा किया, तो इस तरह से हर जगह है। इसे वो प्रातिभासिक सृष्टि हो चाहे व्यावहारिक सृष्टि हो, दृष्टि सृष्टिवाद लो चाहे सृष्टि दृष्टिवाद लो, दोनों स्थिति में हमारे सिद्धांत क्या है, मानस सृष्टि के प्रति मनोमय जो वस्तुओं के प्रति वही सृष्टि आकार सर्वक है, और उस आकार में यादृशी आपकी जो है क्या लिया था, प्रियत्व अप्रियत्व उपेक्षित के आधार पर आपका बंधन सुख दुख अथवा उदासीनता पैदा करता है। इसे कह रहे हैं यहां पर, लेकिन यहां दूसरी बात पूर्व पक्षी उठा रहा है, यदि मानस द्वैत ही बंधन का कारण है तो मन को एक ताला लगा दो। मन को ताला किसे लगाया जा सकता है, योग दर्शन, योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों को रोक दो। क्या जरूरत है वेदांत पढ़ने को, उपनिषद उपनिषद पढ़ने, परमेश्वर पढ़ने क्या जरूरत है, हैं? योगाभ्यास सीखो, आपने योग के चित्त चित्तवृत्तियों को रोक दो, योग के द्वारा मोक्ष हो जाएगा, बंधन खत्म। पूर्व पक्ष कह रहा है मानस द्वैतस्य बंध हेतुत्व तस्य मनोनिरोधात्मक योगे नैव, मनो निरोधात्मक योगे नैव निवृत्ति संभवात, निवृत्ति जब हो सकती है ब्रह्म ज्ञान से बंध निवर्तकत्व अभ्युपगमो विरुद्धेत, ब्रह्म ज्ञान का बंध निवर्तकत्व जो स्वीकार आपने किया वह विरुद्ध हो जाए। इति शंकते बंधश्चन मानसद्वैतम तन्निरोधेन शाम्यति अभ्यसेत योगवेवातो ब्रह्म ज्ञानेन किं वद। बंधश्चेत मानसद्वैत, मानसद्वैत ही बंधन के कारण है, तन निरोधे न शाम्यति, तो मन का निरोध के द्वारा बंधन का शमन हो सकता है। इसलिए योगम एव अभ्यसेत, योग की अभ्यास करो, अतः ब्रह्म ज्ञान किम वद, इसे बताओ ये ब्रह्म ज्ञान लेके क्या फायदा होगा, इसकी जरूरत ही नहीं, इसके बिना ही बंधन टूटेगा मोक्ष हो जाएगा चित्त का निरोध करने मात्र से। तब सिद्धांत ही कहता है भाई चित्त निरोध करने मात्र से मोक्ष नहीं होगा, बंधन खत्म नहीं होगा, ज्ञान से ही होता है। तात्कालिक द्वैत शांतो अपि अने अवतरणिका योगे न किम द्वैतोपशम, तात्कालिक उच्चते आत्यंतिको वा, विकल्प से जवाब देंगे, योग के द्वारा द्वैत का जो उपशम हुआ, बंधन का जो शमन हुआ वह तात्कालिक शमन है या आत्यंतिक शमन है। विकल्प इति विकल्प आद्यम अंगीकृत, योग के द्वारा जो बंधन का शमन है वह तात्कालिक ही होता है, आत्यंतिक नहीं होता। द्वितीय दूषेति, और आत्यंतिक पक्ष नहीं माना जा सकता कि श्रुति योग के द्वारा मोक्ष कथन नहीं करती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष कथन करती है। इसरा दृष्टांत देते हैं ना, समाधि में चला के जड़ समाधि लग जाती है, आने के बाद पूर्व आश्रय वैसे के वैसे तंग करती है। इसे कहते देखो तात्कालिक द्वैत शांत प्यागामी जिन क्षय ब्रह्म ज्ञानम बिना न स्याद इति वेदांत डिंडिमः। तात्कालिक द्वैत शांतो अपी, जितने देर तक आप चित्त की वृत्तियों का निरोध करके समाधि में बैठे रहेंगे उतनी देर तक द्वैत का शमन हो जाता है, बाहर आते ही हाल उसका वही रहता है जो पहले। थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन समाधि का अभ्यास करते 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 ज्ञानोदय यदि हो जाए तो मोक्ष होता ही है। बिना समाधि का अभ्यास का ज्ञानोदय भी सम्यक हो नहीं सकता,
इसे कहा ना यज्ञेन दानेन तपसा अनाशके, अनाशके ने दोनों योग को लिया है, योग भी सहकारी कारण है। इसलिए आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र में योग सूत्र ब्रह्मसूत्रकार स्वयं व्यास जी भी योग का खंडन नहीं करते, योग साधनों का खंडन नहीं करते। ये तीन योगों पर प्रत्याख्यात सूत्र एक सूत्र बनाया और उसका दृष्टिकोण क्या था वहां पर, केवल सिद्धांत पक्ष खंडन है, पुरुष के अनेकत्व, प्रकृति पुरुष का भेद, प्रकृति के नित्यत्व इत्यादि जो सिद्धांत सैद्धांतिक पक्ष है उसका खंडन करते हैं, लेकिन साधन पक्ष को कहीं भी खंडन नहीं किया गया योग का। कि योग के साधन पक्ष के बिना ज्ञान पची नहीं सकता। और इन सब वेदांत के जो प्रणेता हैं जितने भी है, आप क्या कहेंगे, कृष्ण जैसे यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धुरधर, योगेश्वर बोलते कि नहीं बोलते, सकल योगम का ईश्वर है वो भगवान कृष्ण। यदि वेदांत में योग उपयोगी नहीं है तो योगेश्वर से हमारा क्या लेन देन रहेगा, योगेश्वर के हम शरण में क्यों जाएं, ज्ञानेश्वर के हम शरण में जाएंगे, है ना। तो ज्ञानी है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी ने तत्वदर्शी ना, हम ज्ञानी तत्वदर्शी के पास जाएंगे, योगेश्वर के पास क्यों जाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या है, जो ज्ञानी होता है वो योगी जरूर होता है, क्योंकि योग के बिना ज्ञान पचते ही नहीं। अनेक जन्मों से योगाभ्यास करते करते, समाज का अभ्यास करते करते, वह ज्ञान का बीज बोया हुआ है, वह ज्ञान का परिष्कार भी होते जाता है, और जैसे जैसे होते जाएगा अंतकरण शुद्धि समाधि अभ्यास आदि के द्वारा, वैसे वैसे ज्ञान का स्वस्वरूप प्रकाश डूब जाता है। इसलिए इनका कहना है तात्कालिक क्षम होने पर भी आगामी जनिक्षय बिना ब्रह्म ज्ञानम न सियात, आगामी जन्म आदियों का क्षय बिना ब्रह्म ज्ञान का नहीं हो सकता। इति वेदांत डिंडिम, यह वेदांत का उद्घोष है, ऐसा समझो। और वह ज्ञान भी कैसा होगा, समाधि कैसा लगेगी, ये सारी बात फिर विचार आएगा, तो वही संन्यास सारी चीज आ जाती। ब्रह्म जो इसमें छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म संस्तु अमृतत्वम मेति आया ना मंत्र, उस पर भाष्य देखिए, स्पष्ट लगेगा बिना संन्यास का क्यों मोक्ष नहीं हो सकता, क्यों ज्ञान नहीं हो सकता, इसकी बड़ी चर्चा की। बहुत सुंदर शास्त्रार्थ है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि संन्यास के बिना ज्ञान कैसे पचता नहीं है, क्यों नहीं हो सकता ज्ञान। हाँ, उसी के अंत में त्रयोधर्म स्कंधा मंत्र का अंतिम पंक्ति है, ब्रह्म संस्तु अमृतत्वम मेति, उसी मंत्र छांदोग्य परिषद आयत्रे में भी आया, लेकिन इसमें ज्यादा इसे बहुत पीछे पड़ता है। गृहस्थी को भी मोक्ष हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, ऐसे पूर्व पक्ष पीछे पड़ता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी हो सकता है, वानप्रस्थ में भी हो सकता है, ऐसे पूरा पीछे पड़ता है। तब बड़े युक्तियां दे करके प्रमाण के साथ वहां पर भाषिका ने सिद्ध किया बिना संन्यास का असंभव है, वो भाग अत्यंत आवश्यक है। और आयत्रेय उपनिषद में भी है, वहां भी देखो ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञात्वा शिवं शान्तिम् अत्यन्तमेति यदा चर्मवदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। श्वेताशूद्र में कहा है ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, उसे जान करके, उस देव को, उस आत्मा को जान करके सकल पाशों से मुक्त हो जाता है। मुंडक में भी है, श्वेता सूत्र में भी दो दो बार आया जाता शिव शांतिम अत्यंतमेति, उस शिव को, उस आत्मा को जान करके अत्यंतम शांति, है ना, तात्कालिक शांति नहीं, अत्यंतम शांति मेति, स्पष्ट ही वो बोल रहे हैं। तदा देवम अविज्ञान, उस आत्मा को न जान करके दुःखस्य अंतो भविष्यति, दुख का जरूर अंत हो जाएगा, ऐसा जो मानने वाला उसी प्रकार है जो आकाश को चमड़े में लपेट करके बांधना चाहता है जैसे। अरे उस आत्मा का ज्ञान के बिना यदि कोई दुख का अंत को चाहता है वो वैसा व्यक्ति है जो आकाश को एक कपड़े में लपेटने के प्रयास करने वाले के समान, वह व्यक्ति है समझो, व्यर्थ कर प्रयास कर रहा है वो। बिना ब्रह्म ज्ञान का दुख के अंत की कल्पना भी संभव नहीं है।
तदादेव अविज्ञाय इत्ये श्रुतिषु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ब्रह्मज्ञानादेव बंध निवृत्तिर विधीयते इति भाव। इसे अन्वय और व्यतिरेक से सुस्पष्ट ही है, ब्रह्मज्ञान से ही बंध निवृत्ति होती है और अन्य किसी भी साधन से नहीं। अन्य सारे साधन ब्रह्मज्ञान उत्पत्ति में साधन बनेगा और ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ तो मोक्ष का साधन ब्रह्मज्ञान ही है, अन्य साधन नहीं। तदा देवम अविज्ञाय, देवम अविज्ञाय म में अ है। ननो बाह्य द्वैत निवारण मंत्रेण अद्वित ब्रह्मज्ञानम एव नो दिया। कोई कहता है अरे ईश्वर सृष्टि है ना बाह्य द्वैत, इसको नाश के बिना ब्रह्मज्ञान को उदय ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक रहेगा तब तक आपको तंग करते रहेगा। ये नष्ट जिस दिन होगा, उस महाप्रलय में जब नष्ट हो जाए ना ईश्वर सृष्टि, तभी मोक्ष हो सकता है, ऐसा कोई आशंका करना है। तब तन्निवारण भावे तस्य मिथ्या ज्ञान देवा पारमार्थिक मत में बोधुम शक्ति जवाब मेरे नहीं नहीं ईश्वरीय यह द्वैत सृष्टि का निवारण किए बिना भी केवल इस ईश्वर सृष्टि में मिथ्यात्व ज्ञान मात्र से ही पारमार्थिक अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। इस बात को समझा लेते हैं अगले श्लोक में। अनिवृत्ते सृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मतां भूत्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं वस्पैक्यवादिनः। ईश सृष्टे द्वैते अनिवृत्ते, ईश्वर के द्वारा सृष्टि बाह्य जगत रूपा द्वैत का निवृत्त न होने पर भी तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा, यानी इस ईश्वरीय सृष्टि मिथ्या है ऐसे जान करके ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं, इस ब्रह्म में अद्वैत ब्रह्म को बोध करना संभव है। वस्तुक्यवादिनः उस ब्रह्म की ऐक्यता को कथन करने वालों के द्वारा बोध कराना संभव है। बड़ा आश्चर्य देखें, ईश्वर से श्रेष्ठ है फिर भी वो ये द्वैतवादी लोग सुन के चुप रहेगा, गुस्सा होएगा, कहेगा हमारे इस श्रेष्ठ ईश्वर को एक मायावी के बराबर नालायक समझते हो, उसका द्वारा सृष्टि के जगत तो मिथ्या कहते हो, उसके द्वारा सृष्टि कैसे मिथ्या हो सकती है, जब हमारे द्वारा किया हुआ सृष्टि सत्य है उसके द्वारा किया हुआ सृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती है, ऐसा बात करते हैं। क्यों कहते, देखो हमने मकान वकान बनाया कि नहीं बनाया, ऐसा सत्य है या नहीं, जिंदगी भर की लंबी व्यवहार कर रहे हैं, जब हम लोगों के द्वारा कराए हुए जो सृष्टि सत्य हो सकता है तो ईश्वर सृष्टि कैसे मिथ्या हो जाएगा, मान ही नहीं सकते, ईश्वर का अपमान समझते, ईश्वर की जो है क्षुद्रता समझते हैं वो लोग, ईश्वर में दोषारोपण आपने कर दिया, ईश्वर को नालायक समझ रहे हो आप, ऐसे ऐसे बोलने लग जाते, क्योंकि वो समझते ही नहीं। इसलिए जान के देखो अंत में क्या बोला, वस्तुक्यवादिनः, वास्तव हमारे में तो नहीं ईश है, वस्तुक्यवादी हैं, ब्रह्मक्यवादी हैं, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं वास्तव। अतः हम ईश सृष्टि में मिथ्यात्व कथन करते वक्त हमारे बुद्धि में ईश की भी मिथ्यात्व है, जीव की भी मिथ्यात्व है, ब्रह्मात्रिकित्व सिद्धि है, इसे संकेत कर दिया आगे। ये मत समझिए मैं आपको ईश्वर को गाली दे रहा हूं, ईश्वर की सृष्टि की मिथ्यात्व कह करके, सच्चाई में क्या है, ईश सृष्टि की मिथ्यात्व कथन द्वारा सृष्टि का स्रष्टा ईश में भी मिथ्यात्व, और जिसके लिए जिसको निमित्त मानकर उसने सृष्टि, किसको, जीव को निमित्त मानकर सृष्टि किया था ना, उस जीव के स्वरूप भी मिथ्या, किंतु वास्तविक सत्य क्या है, वो एक में अद्वितीय ब्रह्म ही है। ऐसे मानने वाले इस दृष्टि को मिथ्या कहते हैं तो कोई दोष नहीं, सृष्टि मिथ्यात्व कथन द्वारा सर्व मिथ्यात्व कथन हो रहा है। अतः अपने जीव भाव की मिथ्यात्व ईश भाव की मिथ्यात्व के पूर्वक एकमेव अद्वितीय स्वरूप तो ब्रह्माद्वैत सिद्धि कर रहा है, अतः यह कोई दोष नहीं, इस ईश्वर को कोई अपमान आदि की बात भी नहीं। न द्वैतम मृषात्व ज्ञानम अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम, द्वैत मृषात्व ज्ञान अद्वैत ज्ञान का प्रयोजक नहीं है, अपितु तो निवारण अभिनिवेश मानम प्रत्याह, किंतु उसे निवारण किए बिना अद्वैत ज्ञान होगा ही नहीं, कोई अभिनिवेश कर रहा है मैंने दुराग्रह ही है, दुराग्रह क्या है, उसका एक ही हट है, उसका ज्ञान है जब तक जगत नहीं मिटेगा अद्वैत ज्ञान होगा ही नहीं, इस जगत मिथ्यात्व ज्ञान से अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो जाए तुम कह रहे हो, यह नहीं हो सकता,
जब तक जगत नहीं मिटेगा तब तक अद्वैत ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे दृढ़ दुराग्रही के जवाब दे रहे प्रत्यय प्रलय तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्यभावदः विरोधी द्वैता भावेपि न शक्यं बोधम अद्वयम्। लेकिन ये द्वैत खत्म ही हो जाए उस समय ब्रह्म ज्ञान होगा बोल रहे हो ना, उस समय ब्रह्म ज्ञान कौन कराएगा? जब गुरु नहीं रह गया, शास्त्र नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। फिर जब पूरे द्वैत प्रपंच का महाप्रलय हो जाता है, गुरु कहाँ से रहेगा? उपदेश कौन देगा उस समय आपको? कहाँ से मोक्ष होगा उस समय द्वैत बुद्धि? इसे द्वैत का रहते वक्त ही अद्वैत की बुद्धि हो सकती गुरु आदि के उपदेश से। द्वैत का मिटने पर अद्वैत बुद्धि पैदा होगी सोचना ही भ्रम है, असंभव है। क्योंकि प्रलय तन निवृत्त हो तो प्रलय में वो सारा द्वैत प्रपंच की निवृत्ति जब हो जाता है तो गुरु शास्त्रादि अभाव, गुरु शास्त्रादि क्या हो गया? अभाव को प्राप्त कर गया, गुरु शास्त्रादि के भाव हो जाएंगे। विरोधी द्वैत अभावे भी ऐसी स्थिति में विरोधी द्वैत भले ही नहीं है लेकिन अद्वैत बोधम न शक्यम, अद्वैत का बोध कौन कराएगा, कैसे उसका बोध होएगा? बोध ही नहीं हो सकेगा। अतएव द्वैत कर रहते व्यक्ति उस द्वैत की मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत का बोध हमें कर लेना पड़ेगा, यही वास्तव की प्रक्रिया। प्रलय प्रलयावस्थाया, प्रलय मने प्रलय अवस्था में तन निवृत्त हो तो तस्य द्वैतस्य निवृत्त हो सत्याम, उस द्वैत की निवृत्ति होने पर भी विरोधी द्वैत अभावे भी विरोधी द्वैत का न रहने पर भी अद्वैत ज्ञान विरोधित्वेन भवद अभिमतस्य द्वैतस्य, अद्वैत ज्ञान के विरोधी रूपेण आपके द्वारा स्वीकृत जो द्वैत का निवारण सत्य भी निवारण होने पर भी गुरु शास्त्राद्यभावद गुरु शास्त्रादि रूपस्य ज्ञान साधन से अभाव, गुरु शास्त्रादि रूपा जो ज्ञान का साधन है उनकी अभाव हो जाने से हेतु अद्वैत वस्तु बोधुम शक्यम न भवति, इस कारण से अद्वैत वस्तु का बोध कराना संभव ही नहीं रह गया। अतः तन निवारण अप्रयोजकम, इसे द्वैत का निवारण करने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तब पूर्व पक्ष कह रहा महाराज जब द्वैत बना रहेगा, द्वैत पिशाच बना रहे और अद्वैत बोध हो जाए, दोनों काम कैसे होगा? आगे ना बात, द्वैत रूपा पिशाच बना रहे और अद्वैत कैसे हो जाएगा, कैसे होगा? तो संन्यास के बिना द्वैत रूपा पिशाच छूटता नहीं ना, जन्म छोटी रहेगी, जन्म छोटी रो ही रहेगी तो कर्म का अधिकार है, कर्माधिकार है तो द्वैत, उसका अभिमान करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, भाग तो नहीं सकते ना। इसलिए आजकल उन प्रथाओं को पकड़े से जन्म चोटी है नहीं, आजकल सारी प्रथाएं कैसे हो गई, वर्णातीत आसन्मातीत संप्रदाय हो गए सारे। इसलिए आजकल जितने संप्रदाय कैसे हैं, वर्णातीत और आसन्मातीत है, वर्णाश्रम व्यवस्था मानते ही नहीं, ताकि वो अपने कह सके बिना संन्यास का मोक्ष। क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार करोगे संन्यास आश्रम के बिना रहने वाले जो बाकी तीन आश्रमों को कर्म करना ही पड़ेगा, जन्म चोटी से रही तो हो नहीं सकते, वैद्य की विधि विधान के अधीन हो रहेंगे, देव पूजा करनी पड़ेगी, द्वैत में ही उनको रहना पड़ेगा, उससे हट के नहीं जा सकते। इसलिए देख लो वृंदावन ऋषि याज्ञवल्क्य जैसा महापुरुष अंत में क्या करते हैं, भले उन्होंने कह दिया जनक को अभय पदम प्राप्त हो सी, तो ग्रस्त आश्रम तो अभय पद को प्राप्त कर लिए बोल रहे हैं, फिर खुद संन्यास को ले रहे हैं तो खुद अभय पद प्राप्त नहीं किया। गुरु को अभय पद प्राप्त नहीं है, गुरु के उपदेश से शिष्य को अभय पद प्राप्त हो गया। यदि अभय प्राप्त था ही तो फिर संन्यास क्यों लिए, चारु क्या रहेगा फिर बाद में? जब जीव भाव खत्म हो गया, अभय पद प्राप्त हो गए, स्वरूप सिद्ध हो गया है, स्वरूप स्थिति है, फिर संन्यास प्रन्यास कौन लेगा? दृष्टि विक्षेप किसको है, किसको दृष्टि विक्षेप है? जब प्रार कर्मास में शरीर चल रहा है, विक्षेप है नहीं वो? ब्रह्म ज्ञानोत्तर काल में
कोई विक्षेप नाम की चीज कहां से आ जाएगा? फिर तो मुक्तेश्वत प्रारंभ के अनुसार शरीर चल रहा है, उससे उसको विक्षेप भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है, ना आवरण है ना विक्षेप, कुछ भी नहीं है। फिर संन्यास ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका बिना अभय पद प्राप्त अभय पद की अनुभूति नहीं, अभय पद प्राप्ति कह रहे हैं अनुभूति नहीं। और ब्रह्म कैसा है? अप्राप्य। अप्राप्त शब्द प्रयोग करने से ज्ञापन हो रहा है अभी स्वरूपानुभूति। अरे ऐसा आदर्श स्थापन कर रहे याज्ञवल्क्य, जिनक को भी तुम भी जो सुने हो इसका अनुभूति करना चाहते हो तो हमारे तुम्हें भी संन्यास लेना पड़ेगा, सब पद को त्यागो, राजपद को त्याग के चल पड़ो इस चिंतन इसी जो उपदेश का निध्यासन करो संन्यास लेके, तभी यह आदर्श स्थापना। इसलिए का कहना है कि भाई देखो कि ये जो द्वैत है इसे हमारे लिए बाधक नहीं होता, कि जो द्वैत में जो सत्यत्व है वो बाधक, द्वैत बाधक नहीं है, जो द्वैत में सत्यत्व मान बैठा हूं वो बाधक। और जब तक द्वैत में सत्यत्व है तब तक स्व और स्वामी भाव बना रहेगा, जीवेश भेद मानोगे, जब जीवेश भेद मानोगे वर्णाश्रम संप्रदाय के अंदर फंसेगा, रहेगा किसने वर्ण में रहना पड़ेगा, किसने आश्रम में रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा और ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र कोई ना कोई जाति में रहेगा, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के अधीन हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था में अधीन जो रहता है वो द्वैत को मानना ही पड़ेगा, द्वैत को मानना कि द्वैत सत्यत्व को मानना पड़ेगा, जीवेश भेद की मिथ्यात्व तो नहीं मान सकता हो, जीवेश भेद की मिथ्यात्व मान लेगा फिर वो जन छोटी धारण ही नहीं कर सकता, छोड़ के भागना पड़ेगा उसको, उससे कैसे रखेगा इसको, इसको रखेगा फिर करना पड़ेगा द्वैत, पूजा करनी पड़ेगी, पूजा करना पड़ेगा सत्य तो मानना पड़ेगा, उसमें मेरे से बिन भगवान है विठल भगवान है, उसकी आरती उतारो, उसके एक करो उसको वो करो, डांडी यात्रा निकालो, सोलह सब करना पड़ेगा, झंझट सारी झंझट करने पड़ेंगे ना, द्वैत प्रपंच में सारा झंझट है, जिन छुट्टी रहेगा ये सारा काम करने पड़ेंगे। अब इसे उभरना है, ईश जीव भेद को मिथ्या माननी पड़ेगा, ईश भेद जीव भेद मिथ्या मानोगे फिर वर्णाश्रम व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा, इसको त्यागने का मतलब संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बिना इसलिए ज्ञान अनुभूति का प्रश्न ही नहीं होता, अद्वैत अनुभूति ग्रहण ही नहीं हो सकता। इसे मेरा कहना है देखो तथापि सतीत्वैते कथम अद्वैत ज्ञानम, अरे द्वैत रहते हुए भी अद्वैत ज्ञान कैसे हो सकता है? इत्याशंक्या अबाधकम साधकं च द्वैतम ईश्वर निर्मितम अपनेतुम अशक्यं च इत्यास्तां तद्विश्यते कुतः। अरे भाई ईश्वर निर्मित जो द्वैत में तीन बातें समझो, एक तो वह हमारे ज्ञान में बाधक नहीं होता, नंबर दो हमारे ज्ञान में वो साधक ही है बाधक नहीं है, नंबर तीन उसको कोई हटाने में समर्थ भी नहीं हो सकता। अपने तुम अशक्य, ईश्वरीय सृष्टि को ईश्वर खुद ही हटा सकता है, कोई जीव उसको मिटा नहीं सकता है। हम जीव जो है मुक्त होने के लिए ईश्वर को मिटा सकते हैं हम? आजकल तो ऐसे बहुत सारे पेड़ भी उसको हटाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, एक पेड़ को भी काट नहीं सकते आप, सारे ईश्वर सृष्टि को कहां से काट डालोगे आप? कहीं ऐसे चींटी भी मार नहीं सकते देख के भागते, ईश्वर सृष्टि को कहां से मार डालेंगे वो? या नहीं, तो ईश्वर सृष्टि का अपलाप ने आप नाश करना तो अत्यंत असंभव है, जीव के असंभवात द्वैत निवृत्ति मोक्ष बाधक नहीं है, बल्कि उल्टा साधक है। क्यों? क्योंकि इसी द्वैत प्रपंच में तो गुरु शिष्य संबंध होता है, शास्त्र शास्त्र संबंध होता है, शास्त्र गुरु के बिना मुक्ति के मार्ग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और शास्त्र गुरु क्या है? तो यह द्वैतात्मक गुरु और शास्त्र हमारे मोक्ष के साधन हुआ कि बाधक हुआ? तो द्वैत हमारे लिए बाधक हुआ कि साधक रहा? फिर द्वैत से क्यों परेशान हो रहे हो? फिर कुतः तद्दिश्यते, फिर क्यों उस द्वैत से तुम द्वेष कर रहे हो? इसीलिए उस द्वैत को अपनाओ जो द्वैत तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन होता है, और उस द्वैत को त्यागो जो द्वैत तुम्हारे बंधन का कारण बनता है। ये तात्पर्य
द्वैत में दो स्वरूप है, एक बंधन कारक स्वरूप है, एक मोक्ष साधक स्वरूप है। जो बंधन कारक स्वरूप को त्याग दो, मोक्ष साधक स्वरूप को स्वीकार कर दो, यही करना के लिए यह उपदेश शुरू कर रहे। देखिए आगे श्लोक में आएगा, और इससे पहले इसकी टीका, ईश्वर निर्मित द्वैतम अबाधकम, ईश्वर निर्मित जो द्वैत है वो अबाधक है। निशात्व ज्ञान ही नहीं हुआ अद्वित ज्ञान उत्पत्ति है, क्योंकि उस द्वैत की निशात्व मिथ्यात्व ज्ञान के द्वारा अद्वित ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इति उक्तत्वात् साधकंच, ये कह चुके हैं इसलिए बाधक है। और दूसरा वो ईश्वर में द्वैत प्रपंच साधक भी है। कौन सा ईश्वर में द्वैत साधक बनेगा हमारे लिए? गुरु शास्त्र आदि रूप से तस्य, गुरु शास्त्र आदि रूपा जो साधन है, जो हमारे ज्ञान के साधन रूपा जो द्वैत है, वह द्वैत ज्ञान साधनत्वात् आकाशादि रूप द्वैतम अस्माभिर अपरेतुम अशक्यंच। और तीसरी बात, आकाशादि रूपा जो द्वैत है, इसको क्या हम मिटा सकेंगे? हम लोग मिटा नहीं सकते। कोई भी जीव आकाश वायु आदि जो महान वस्तु महाभूत है, इनको मिटा भी नहीं सकता। इति हेतु हो इन कारणों से द्वैतम आस्तम आस्था तद्वैतम आस्थान, वह द्वैत बना रहे, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। कुतः कारण द्विषते, तुम किस कारण से द्वेष कर रहे हो व्यर्थ का? इत्यर्थः।